गाइस वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम। तो यहाँ पर मेजर लीग सॉकर का मैच हो रहा है इंटर मियामी वर्सेस स्पोर्टिंग कैंसस के बीच 5 बजे सुबह। और बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे, बात करें अगर हम इस मैच की, तो जब से मेसी ने ज्वाइन की है इंटर मियामी, तब से इंटर मियामी की किस्मत खुल गई है। इंटर मियामी टीम जब से मेसी ने ज्वाइन किया एक भी मैच नहीं हारी, एक भी मैच ड्रॉ हुआ है, एक दो वो नहीं कह रहा, हारी नहीं है, मतलब लॉस नहीं दिखा, सिर्फ विन 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 एंड ड्रॉ विन। मतलब इतना लकी यहाँ पर मेसी आया, मैं लकी नहीं कहूँगा, मेसी की इतनी स्ट्रेंथ है कि वो छोटी टीम को भी इतना बड़ा क्लब बनाने में टाइम नहीं लेगा। आज इंटर मियामी को कोई नहीं जानता था, मेसी से पहले इंटर मियामी से 11 मैचेस कंटिन्यू हार रही थी, आज वो टीम 11 मैचेस कंटिन्यू विन पे है। सो इसे कहते हैं वक्त बदलना, बदल गया भाई इंटर मियामी का। तो सबसे पहले बात करें दोनों टीम्स वैसे बराबर की, अगर इंटर मियामी में आज मेसी ना होता तो शायद मैं भी आप लोगों की तरह स्पोर्टिंग कैंसस को फेवर करता, लेकिन आज मेसी के आने से इतनी प्रेशरलाइज हो गई हैं सामने वाली टीम्स की, वो सोच रही हैं कि कैसे हराएं इंटर मियामी को, इंटर मियामी को पहली हार कैसे दें। सबके दिमाग में चल रहा है कि इंटर मियामी कब हारेगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्पॉटिंग स्ट्राइकिंग की बात करें देन लियोनेल मेसी, अभी तक तो जोरदार मैचेस, यूनाइटेड स्टेट्स कप में भी अच्छा प्रदर्शन, उसके बाद अपना पीछे एक लीग चल रही थी लीग्स कप, उसमें इंटर मियामी ने विन किया ड्यू टू मेसी। सो मेसी इज़ मेसी। एंड आगे से बात करें मार्टिनेस की, मार्टिनेस काफ़ी टाइम से खेल नहीं रहा, आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक इंजरी होगी, तो उसकी जगह एल कैंपना को एज अ सब्स्टिट्यूशन पिछले मैच में भेजा गया था, जिसमें ये ट्रायल में पास हुआ और किया एक जोरदार गोल। काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ है इस टीम के साथ, तो मैं चाहता हूँ रेगुलर खेले। और डी सलोई को यहाँ पर मैं लूँगा, वैसे मैं सलोई के साथ एक प्लेयर और लेना चाहता था जिसका नाम था नीचे से एलन पुलिदो, बट मैं अपनी टीम में एलन पुलिदो को ले नहीं पा रहा हूँ, एक्चुअली मेरे 3 प्लेयर हो चुके हैं, कोई पागल ही होगा जो कैंपना या सलोई को छोड़ के पुलिदो को लेगा स्मॉल लीग में, सो वो रिस्क तो नहीं ले पाऊँगा। मिडफील्डिंग सेक्शन से बात करें, यहाँ पर मैं लूँगा जी किंडा को, जी किंडा स्पोर्टिंग कैंसस का एक नॉर्मल सा प्लेयर है, हालांकि जी किंडा को कभी मैंने इतनी अहमियत नहीं दी, तो आज भी नहीं, जस्ट टीम में ले रहा हूँ। उसके बाद इनकी और बात करें, बेस्टवर्ड्स को मत लो यार, कुछ पहले ऐसा था यार, बेस्टवर्ड्स जस्ट एक नॉर्मल प्लेयर है, पहले था जब वो यंगस्टर था, जो 2009 में जब स्पेन ने वर्ल्ड कप जीता था तो भी था बेस्टवर्ड्स, तो बहुत पुराना खिलाड़ी है, एक्सपीरियंस है इसके अंदर। आप बोलो कि आज की कला से खेले, मतलब गोल करे पीछे खड़ा खड़ा, तो लॉन्ग गोल बहुत दूर है बेस्टवर्ड से, बेस्टवर्ड को आज तक मैंने बार्सिलोना में चलते नहीं देखा, ये तो फिर इंटर मियामी, तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ प्रदर्शन आएगा। अगर 10 में से 1 मैच में गोल आ भी गया तो क्या करोगे उसका, आप ही बताइए, 10 में से आप वेट करोगे कि एक गोल कब आए, किस मैच में आएगा, दूसरे में, तीसरे, चौथे, पांचवे, यही नहीं पता तो हम प्लेयर के पीछे क्यों भागे भाई, सीधी बात है। इसलिए मैं आपको राय दूंगा, या तो आप ट्राई करो डी अरोयो को, नहीं खेलता अरोयो तो लीजिए आर टेलर को, आर टेलर का तो आपको पता है लीग्स कप के अंदर सबसे बढ़िया प्रदर्शन किसने किया था, टेलर ने, सो मैं इसको लूँगा। उसके बाद क्रेमेस्ची भी फॉर्म में है बंदा, क्रेमेस्ची नहीं आएगा तो मैं वॉल्टर को, सॉरी वॉल्टर को नहीं, थॉमी को, वॉल्टर का तो फ़ायदा ही नहीं है, थॉमी खेल रहा है तो वॉल्टर को कौन लेगा यार, तो थॉमी बनता है यहाँ पर क्योंकि थॉमी असिस्ट किंग है। उसके बाद डिफेंडिंग सेक्शन से बात करूँ तो जॉर्डी आल्वा ने लास्ट मैच के अंदर शायद गोल किया था ना, गोल के साथ असिस्ट नहीं की थी, फिर भी 100 पॉइंट दे गया बंदा क्योंकि क्लीन शीट लग गई थी। एंड क्रिस्टॉफ की बात करूँ, क्रिस्टॉफ पिछले मैच के अंदर आई थिंक खेला, शायद सब्स्टिट्यूशन था, तब भी सब्स्टिट्यूशन भी नहीं था तो क्लीन शीट क्यों नहीं, अच्छा क्लीन शीट क्यों नहीं मिली यार इसको, ये नहीं समझ आई मेरे को, जॉर्डी आल्बा को इन्होंने 4 सितंबर को क्लीन शीट दी है, ओहो वो 82 मिनट में सब्स्टिट्यूट हो गया था, ठीक है आ गया समझ में, शायद आल्बा इंजर्ड हो सकता है भाई, मैं पहले बता रहा हूँ आल्बा इंजर्ड लग रहा है मुझे, क्योंकि 82 मिनट में सब्स्टिट्यूट हुआ है मैंने अभी देखा है, तो हो सकता है वो इंजर्ड हो, जिस कारण क्रिस्टॉफ को भी पॉइंट नहीं मिले। उसके बाद येडलिन की अगर बात करूँ तो येडलिन जब खेलने आया था ना, 90 मिनट खेला था, बहुत अच्छी फॉर्म में था, और जब वो इंजर्ड हुआ था ना अपना आल्बा, तब भी अच्छा गेम प्ले दे रहा था। उसके बाद जो आल्बा की जगह आया था, एक बार वो पता चल जाए, क्योंकि मैं अभी एलन को ले रहा हूँ, ठीक है मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। एंड बात करें यहाँ पर गोलकीपिंग सेक्शन से, तो मैकलिनटॉश को तो अभी खिलाया जा रहा है क्योंकि टीम इलिया इनका मेन प्लेयर खेल नहीं रहा, मैकलिनटॉश की जगह मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द मेलिया आए। एंड बात करें कप्तान की, मेरा जो कप्तान है वो है मेसी, वाइस कप्तान जो मेरा है वो है एल कैंपना इफ़ ही प्लेड, अगर नहीं खेलेगा तो मेरा वाइस कप्तान जॉर्डी आल्बा हो जाएगा। तो ये मेरी टीम है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।